सोनिया मुझे ये बताएं कि आप ये बात मानती हैं कि आई एम रियली फॉन्ड ऑफ यू, कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बात मानती हैं आप या नहीं मानती? ये आज पता लग रहा है पता है अभी ब्रेक में मेरी टीम वाले कह रहे थे आप यूं करके ऐसे सोनिया को देख रहे हैं जैसे पता नहीं आप अपनी ख्वाबों की शहजादी को देख रहे हैं। मैंने कहा शहजादी तो फिर है ना फिर सोनिया, यार क्या बात है भाई। लेकिन मैं वैसे अपार्ट फ्रॉम दिस आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। थैंक यू एंड यू आर गेटिंग यंगर डे बाय डे। मैं कैसे रिकवर करूंगा इससे? ये जो सारी बात करने का मकसद ये था, ये जो मैंने फाउंडेशन बिल्ड किया है कि मैंने आज आपसे दो तीन सवाल पूछने हैं एंड आई ट्रस्ट यू टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस कैंडिडली। जो भी ये दो तीन मसले हैं मैं सच सवाल पूछूंगा, सच के सिवा कोई सवाल नहीं पूछूंगा एंड आई एक्सपेक्ट कि आप भी सच जवाब देंगे। हाँ, नहीं, नहीं, और झूठ नहीं, सच के जवाब कोई जवाब नहीं देंगे। मुझे ये बताएं जो हम बात कर रहे थे, व्हाई हैव यू बीन मिसिंग फ्रॉम द टिच बटन प्रमोशन, क्या मसला है आज बता ही दें, खुल के हो जाए बात। बट आई थिंक अब तो कुछ छुपा हुआ है ही नहीं, सबको सब कुछ पता ही है, ऑब्वियसली द थिंग इज आउट ऑलरेडी और आवाम को पता ही लग गया कि क्यों नहीं हूँ। तो पेमेंट डिस्प्यूट की वजह से हाँ बहुत सारी चीज़ें थी, बट पेमेंट जो है वो इट वॉज द मेन इशू। पेमेंट वाला हमें पता चले बहुत सारी क्या चीज़ें थी वो वाली बताएं, बहुत सारी चीज़ें। आई मीन सही है, ठीक है, अच्छा टाइम था, सारी चीज़ें थी, मगर कभी कभी आप लोगों की केमिस्ट्री कुछ लोगों से नहीं बनती, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जहाँ पर नहीं आपकी वाइब मैच करी वहाँ आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें तो अच्छा होता है। तो टिच बटन पे कुछ लोगों के साथ आपकी वाइब मैच नहीं? हाँ नहीं। आप नहीं बताना चाहेंगी वो कौन लोग हैं? नहीं मतलब नहीं। तो चले मैं फिर आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, जब आपने लीगल नोटिस भेजा जो कि बिल्कुल आपका राइट है और अगर किसी को पेमेंट नहीं मिल रही उनको बिल्कुल ये रास्ता अपनाना चाहिए, आपने स्पेसिफिकली उर्वा का नाम लेके वो लीगल नोटिस भेजा जबकि प्रोड्यूसर्स में फरहान भी हैं, फरहान एंड उर्वा हैव जॉइंटली प्रोड्यूस द फिल्म शूटिंग स्टार स्टूडियोज, फिर ARY फिल्म्स भी हैं, सलमान इकबाल फिल्म्स भी हैं, तो ये क्या वजह हुई कि आपने नोटिस सिर्फ उर्वा को भेजा? अच्छा ये वैसे ये काफ़ी लोग ये कह रहे थे आई थिंक सोशल मीडिया पे भी, लेकिन फरहान प्रोड्यूसर नहीं थे, फरहान ने शुरू से एज एन एक्टर ही इस फिल्म में काम किया है। उर्वा जो थी शी वॉज़ द मेन फेस जो प्रोडक्शन देख रही थी, जो एज अ प्रोड्यूसर इसमें आई थी, और उन्होंने शी वॉज़ द वन जिन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे भी प्रोड्यूसर का नाम उर्वा हुसैन ही लिखा था, वहाँ पे कोई और वो नहीं था। जहाँ तक ARY की बात है तो ARY जो है वो बेसिकली फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का तो आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं। बट इस केस में वो प्रोड्यूसर्स भी हैं, सलमान इकबाल फिल्म्स एंड ARY फिल्म्स। अच्छा वो बहुत बाद में उसमें आए होंगे, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे है ना वो मेरे और उर्वा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो जिसके बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑब्वियसली आप उसी को अप्रोच करते हैं। तो आपने रीच आउट करने की कोशिश की जैसे फरहान को या ARY फिल्म्स को या सलमान इकबाल फिल्म्स को प्रायर टू सेंडिंग द नोटिस टू उर्वा, आपने कोशिश की किसी से बात करने की? मेनी टाइम्स, मतलब आई एम नॉट दैट पर्सन जो उसको बिला वजह झगड़े करने का शौक है, और अभी भी कोई झगड़ा नहीं है। आई थिंक ये दिस इज़ द राइट अप्रोच कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही या आपकी टीम को यू नो इंसल्ट किया जा रहा है या उनको वेटिंग उस पर दिया जा रहा है, उनके फ़ोन्स नहीं उठाए जा रहे, तो आई थिंक ये आखिरी अप्रोच आपको यही बचती है कि आप लीगली अप्रोच करें और शायद वो उसका जवाब देते हैं। उसका एक फिर ये भी सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपने एहसन खान के शो पे एक्सप्रेस पे ही करीबन 1.5-2 साल पहले ये बात की थी कि आपको चेक नहीं मिला। वो तो मेरे मुंह से निकल गया था और एहसन ने तो उस बात को इतना खींचा है। एहसन? अच्छा हाँ, नहीं 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 बताओ क्या हुआ एहसन? तो इन 2 सालों में आपने कभी भी नोटिस नहीं भेजा? तो लोग ये पूछ रहे हैं यार फिल्म की जब फिल्म रिलीज होने वाली है, प्रमोशन शुरू हो गया, आपने ये टाइम क्यों चूज किया? ये तो आप डिलिबरेटली फिल्म को हर्ट कर रही हैं। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली जब एहसन का शो आया था तो बात ऑलरेडी यू नो फैल गई थी लोगों में, तो मैंने उसी वक्त मैंने अपने लॉयर से कहा था क्या हमें अभी इनको अप्रोच करना चाहिए। उन्होंने कहा देखिए फिल्म ख़त्म होने के बाद 2 साल का टाइम पीरियड होता है कि वो शायद आपको अभी अप्रोच करके दे दें आपको वो चीज़ें, मगर उन्होंने हमें बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। और अब बात ये हो गई थी कि इस वक्त आ गई थी कि फ़िल्म आने वाली है, प्रमोशंस स्टार्ट हो गई हैं और सबको मतलब ये कहा जा रहा है कि सोनिया तो इज़ ऑन वेकेशंस, वो इस वजह से प्रमोशन में नहीं आ रही है बिकॉज शी डजंट केयर अबाउट द फिल्म, जबकि असली रीज़न कुछ और था। तो आई थिंक अब भी जाके मैं अगर नहीं मांगूंगी तो फिल्म निकल जाएगी, फिर तो कोई पूछेगा भी नहीं। मतलब आई डोंट केयर कि फिल्म में कितना रखा गया है, कितना चॉप कर दिया गया है, मुझे इन चीज़ों से कुछ नहीं है। आपके कैरेक्टर की हाँ आई मीन
जो आपकी मेहनत है अगर वो उसके वो हो जाए तो ये अच्छी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ ये बहुत ट्रेंड है, आर्टिस्ट के पैसे नहीं टाइमली दिए जाते, तो मुझे लगता है कि अगर शायद मैंने इनिशिएटिव लिया तो आगे दूसरे एक्टर्स को भी होगा कि नहीं आप अपने ही पैसे मांग रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सो कैसा फीडबैक रहा जब से आपने नोटिस भेजा है, तो प्रोड्यूसर्स की तरफ से है समवन रीच्ड आउट टू यू, इस पे कुछ अग्रीमेंट हो रहा है, कोई सलूशन निकला या नहीं निकला? अजी बात हो रही है, उनकी मेरी लॉयर से मीटिंग हुई थी और वो सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। आई मीन ये पहले ही हो जाता तो शायद इतनी बात होती ना, बट चले इट्स ओके। इरफान साहब हैं, इज़ अ वेरी गुड गाय, वो मेरी आज़ादी भी के भी प्रोड्यूसर रह चुके, तो उन्होंने कहा हाँ इसको आप आराम से म्यूचुअली इसको कर लेते हैं, तो कर लेते हैं, हाँ ठीक है इट्स ओके। बट वो ये चाह रहे हैं कि प्रमोशंस में भी आऊँ, तो शायद मैं ना करूँ प्रमोशंस। आप नहीं, बट डू यू ओन द फिल्म टच बटन? बिलाकर आपने काम तो किया, आपका एक गाना भी हमने देखा, इतना ज़बरदस्त, लोगों ने बड़े तारीफ की, बड़ा अप्रिशिएट किया। ट्रेलर में भी आपका जो अपेयरेंस है, ऐसा लगा नहीं कि आपका रोल कम है या चॉप किया गया या जो भी, तो वुड यू ओन टच बटन? आप ओन करेंगी? बिलाकर आपकी अपनी फिल्म है। आई मीन जी मैं फिल्म में हूँ, लेकिन जब तक आप अपने कैरेक्टर से सेटिस्फाइड नहीं होते आप नहीं ओन करना चाहते उस चीज़ को, तो आई डोंट नो, अब लोग जाके देखें, उनको पसंद आया तो अच्छी बात है। आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने किरदार से? No, I'm not. तो जब आपने ट्रेलर देखा आपका क्या फीडबैक था, क्या रिएक्शन था? ट्रेलर पे तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेजेस भी आएंगे, सोनिया स्पेशली जो ये मैंने बोल दी, सॉन्ग तो वाकई बहुत अच्छा था और बहुत मेहनत की, कासिम अली मुरीद ने भी बहुत मेहनत की, बहुत बड़ा सेट लगा था, कासिम यरतिवाना का सेट था, मतलब निगाह जी कोरियोग्राफर थे और एक काफ़ी दिनों से सबकी रिहर्सल्स चल रही थी, तो नहीं मेहनत तो सब ने अपनी जगह की है, ऐसी बात नहीं कि बगैर मेहनत, फिल्म में बहुत मेहनत लगी है। वो मेरे अपने जो पर्सनल रीजंस उसकी मतलब से, उसकी वजह से ये नहीं कि फिल्म बुरी है, फिल्म बहुत अच्छी है, लोग बहुत एंजॉय करेंगे जाके। ये कितनी अच्छी बात है भाई, पर्सनल इश्यूज अपनी जगह। सोनिया आपको कह रही है कि फिल्म बहुत दिल से बनी है जी, और बहुत अच्छी फिल्म है, तो आप लोग भी जरूर जाके देखें और उसका फीडबैक जरूर। इवन मैं ये तो कहना होता है ना कि खून पसीना लगा है, लिटरली खून पसीना लगा है।